उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में शिल्पी जन कल्याण सोसाइटी के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन एसपी यातायात को प्रेषित किया। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि मुरादाबाद बहुत ही घनी आबादी वाला शहर है, दिन प्रतिदिन ट्रैफिक की समस्या बढ़ती जा रही है, जिसमें मुख्य समस्या ई रिक्शा पैदा कर रहे हैं जो कि कहीं भी अनावश्यक रूप से रोककर खड़े हो जाते हैं, अपनी साइड न चलाकर रॉन्ग साइड रिक्शा चलाते हैं, जिसकी वजह से चौराहों पर घंटों घंटों राहगीरों का इंतजार करना पड़ता है और जाम की समस्या से जूझना पड़ता है एवं मुरादाबाद में जगह जगह नो पार्किंग गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, जिससे राहगीरों को परेशानी होती है और नो पार्किंग में खड़ी गाड़ी करने की वजह से भी जाम की समस्या उत्पन्न होती है। तो वहीं सभी ने आज एसपी ट्रैफिक को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया है और उचित कार्यवाही की मांग की है। को लेकर एसपी यातायात महोदय के समक्ष एक ज्ञापन देने आए हमारी मांग है कि हमारा जो शहर है बहुत ही घनी आबादी वाला शहर है और यहाँ दिन प्रतिदिन ट्रैफिक की समस्या बढ़ती जा रही है और इसकी मेन वजह जो है ई रिक्शा है। ई रिक्शा वालों के पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, किसी तरह का कुछ नहीं है। हम ये नहीं कहते कि उन्हें बंद कर दिया जाए, लेकिन उन्हें कम से कम इस तरह की ट्रेनिंग दी जाए कि वो अपनी साइड चलाएं। देखने में ये आता है कि वो अपनी साइड न चला के दूसरी साइड चलाते हैं, जिसकी वजह से घंटों घंटों जाम बना रहता है। उसके अलावा हमारी मांग है कि कितने नो पार्किंग में पार्किंग करना, जैसे कि आजकल देखने को मिल रहा है कि लोगों ने ज़्यादातर ट्रेंड बना लिया है कि अपनी गाड़ियाँ रोडों पर खड़ी कर दिए, जिसकी वजह से लगातार जाम बना रहता है। लोगों ने सस्ती गाड़ियाँ खरीदी हैं और रोडों के दोनों साइड लगा दी हैं और रोडों की बहुत हालत ख़राब हो गई है। तो हम ऐसी यातायात महोदय से ये मांग करते हैं कि तुरंत ही क्या कहते हैं ऐसे चौराहों पर जहाँ जाम की स्थिति लगातार बनी रहती है वहाँ ट्रैफिक पुलिस का इंतज़ाम करा जाए, अन्यथा वहाँ कम से कम 10 मीटर पर इस तरह के डिवाइडर लगाए जाएँ जो जाम थोड़ा समस्या कम हो जाए। उसके अलावा जो रोडों पर गाड़ियाँ खड़ी हैं साइटों में, उस पर तुरंत एक्शन लेते हुए उनको हटवाया जाए ताकि यातायात व्यवस्था बन सके। आज हम यही मांग लेके अपनी यातायात महोदय के समक्ष आए।